तो फ्रेंड्स, शादी में सभी को बहुत मज़ा आया, सभी ने बहुत एंजॉय किया। आप पूरी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर एक फैमिली फंक्शन था और सभी फैमिली वाले जो है बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज़ हमारी जो है सिस्टर की शादी थी। और आप देखेंगे कि पूरी वीडियो मैंने आपके साथ ये शेयर की है, बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था कवर करने की। फ्रेंड्स, दिस इज माय चैनल, आई हैव अपलोड ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आज जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डियरेस्ट सिस्टर की वेडिंग। सो आप देख सकते हैं, ये जो है रामा रोड पे है, कीर्ति नगर में, स्टीक्यो बैंक्विट जो कि दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं, ये यहाँ का एंट्रेंस है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको किसी तरह का कोई फंक्शन यहाँ पे करना हो तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो जो है मेरी बेनिफिशियल होगी। सो ये देख सकते हैं, ये इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जहाँ पे जो है फैमिली वाले अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है। सो एंटर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कॉफ़ी मशीन रखी हुई थी। तो ये देखिए, ये अंदर का सारा एरिया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा इन्होंने पूरा जो है अरेंजमेंट कर रखा था। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो मेन जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे आकर के, ये वो एरिया है। सो ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा था। तो किसी तरह की कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूरा बैंक्वेट हॉल था। सो ऑब्वियसली देखिए, दिल्ली में है तो कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें सब कुछ करना होता है। तो मतलब मैं ये कहूँगी, अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फंक्शन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई आपने पैसा अपना वेस्ट किया है। तो आपको हर तरह की अरेंजमेंट जो है वो एडवांस में मिलेगी। सो आप देख सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए ये इन्होंने मंडा तैयार करा हुआ है, जो कि आपको पता है वेदी के टाइम पे यूज़ होगा। पहले जो है घर में इसकी पूजा की जाती है, उसके बाद एज इट इज़ उसको शादी वाले दिन लेकर आया जाता है, जो है जिसके चारों तरफ जो है फेरे होते हैं दूल्हा दुल्हन के। आप देखिए, हमारे फैमिली वाले जो है गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फ़नी बनाने के लिए इस मोमेंट को भी कैप्चर किया है। तो आप देखिए, मतलब यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को जो है गोलगप्पे आप खाओ इस तरीके से देखिए। तो मेरे को लगा कि ये मोमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये देखिए फैमिली वाले किस तरीके से जो है एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को गोलगप्पे खिला के। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और जहाँ तक मैं यहाँ के खाने की बात करूँगी तो खाना भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो आपको किसी भी तरह की कोई कमी जो है नज़र नहीं आएगी। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और स्पेशली देखिए मेरी डियरेस्ट सिस्टर की वेडिंग थी, सो मुझे तो ऑब्वियसली एंजॉय करना ही था। और देखिए, जब ऐसे फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हमें जो है बहुत ही अंदर से एक खुशी होती है कि हम जो है सबके साथ वहाँ मिलते हैं कितने टाइम बाद। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सालों हम नहीं मिल पाते, तो ऐसे फंक्शंस में जो है सब गैदर होते हैं एक साथ, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, ये फिर से मैंने पूरा हॉल जो है कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि सभी व्यूवर्स को एक बार ये पता चल जाए कि हाँ भाई बैंक्वेट जो है कितना अच्छा है, कितना बढ़िया ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पे डेकोरेट। ये देखिए, ये पूरा स्नैक्स एरिया है। सो यहाँ पे ये देखिए टिक्की का है, और आप कह सकते हैं दही भल्ले वगैरह। तो वहाँ पे भी ये देखिए डेकोरेशन के काफ़ी आइटम्स थे। सो अच्छे से मतलब ब्यूटीफुली इन्होंने बहुत ही बढ़िया से डेकोरेट कर रखा था। अब ये देखिए, दुल्हन की जो है एंट्री हो गई है, तो इस टाइम पे जो है दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा है। सो आप देख सकते हैं, तो अभी देखिए 3 साल पहले ही मेरी भी वेडिंग हुई थी, तो मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया था। तो फोटोग्राफर जो होते हैं काफ़ी पोजेस वगैरह बनवाते हैं, तो हमारे लिए जो है ये मोमेंट फर्स्ट टाइम होता है जो भी ब्राइड होती है। तो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है कि भाई पोजेस देना और इस तरह से करना, बिकॉज हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया होता है। तो अच्छा भी लगता है, बिकॉज देखिए सबकी लाइफ में ये डे आता है और सबको जो है एंजॉय करना होता है। तो बहुत ही मेरे को बढ़िया लगा, और मेरी सिस्टर तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या मैं क्या ही कहूँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर।
ये देखिए, ये मेरी जिनकी शादी थी सिस्टर की, उनकी बड़ी सिस्टर हैं। सो देखिए, ये अब इस टाइम जो है बारात आने वाली है, तो बारात के स्वागत के लिए सारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। ये चौक पूछ के तैयार किया हुआ है, जहाँ पे जो है दूल्हे की पूजा वगैरह की जाएगी, यहाँ पे खड़ा कर करके। अब देखिए, ये देखिए बारात जो है बिल्कुल दरवाजे पे आ गई है। अब जो है डांस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप डांस थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। तो देखिए, डांस तो मतलब वही है कि लेडीज़ को तो डांस करना बहुत ही पसंद होता है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है। देखिए, घर में जब वेडिंग होती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो होता है वो एक डांस का ही होता है, सबको क्रेज़ कि भाई जो है धमाल मचा देंगे, डांस करेंगे। और इस तरीके से देखिए, दरवाजे पे आकर के बहुत ही बढ़िया लेडीज़ ने मतलब एक समा बांध दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब वहाँ पे जब मैं सामने सामने देख रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल भी वहाँ से हटने का। ये देखिए दूल्हे राजा की फर्स्ट लुक देख लीजिए आप, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। मतलब वहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। तो अब देखिए, थोड़ा सा इन्होंने फायरवर्क भी किया। देखिए क्या होता है कि शादियों में थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। हाँ, पॉल्यूशन है, बट वो ये देखिए सब जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये देखिए बस थोड़ा बहुत ही इन्होंने यहाँ पर एन्जॉयमेंट के लिए फायरवर्क भी किया। सो ये मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा पूरा, मतलब वेडिंग फंक्शन जो है बहुत ही मज़ा आ गया था। ये देखिए आगे जो है इस तरीके से, अब जो है बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है दरवाजे की तरफ, और जो है दरवाजे पे भी लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी दूल्हे का इंतज़ार है कि कब दूल्हा आएगा और कब जयमाला होगी। बिकॉज़ वो मोमेंट जो होता है वो बहुत ही एक शादी का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, और सभी को उसका इंतज़ार होता है कि कब जो है जयमाला की जाएगी। तो ये देखिए, दूल्हे जो हैं अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और सबको जो है इंतज़ार हो रहा है कि कब दूल्हे दादा आएंगे, कब उनकी पूजा की जाएगी, और कब वो गेट से अंदर एंटर करेंगे, और फिर अपने जो है जो उनके लिए एक व्यवस्था की गई है, जो उनके लिए एक सीट बनाई गई है, वहाँ पर आकर के बैठेंगे। और सभी को दुल्हन का भी बहुत इंतज़ार है कि दूल्हे राजा जब आ जाएंगे तो उसके बाद दुल्हन का भी एंटर होगा। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए अब जो है यहाँ पे जो है सब बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा मोमेंट है। ढोल पे तो मतलब ये है कि जो जिसको नाच नहीं भी आता वो भी जो है उसके भी पैर थिरकने लग जाते हैं। तो ढोल एक ऐसा वो है कि लोगों को ढोल पे डांस करना तो बहुत ही पसंद होता है। तो ये देखिए, ढोल पे सभी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं और सभी बहुत एंजॉय। ये देखिए दुल्हन के भाई बहन सभी, ये देखिए कीकली खेल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बहुत ही प्यारा। सो फ्रेंड्स, ये जो है मैं आपको बता दूं, ये रामा रोड पे है बैंक्वेट हॉल, और यहाँ पे आपको पता है इस ये कीर्ति नगर में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सारे बैंक्वेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी कंपटीशन है यहाँ पे दिल्ली में तो इन सब का। तो मतलब अगर इस तरह की आप वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह के मतलब हॉल जो है डेकोरेशंस होती हैं, और किस तरह से आप अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी फंक्शन वगैरह की, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए लड़की वाले भी अब यहाँ पर आ गए हैं एंजॉय करने के लिए। सो बहुत ही बढ़िया मोमेंट है। ये देखिए अब दूल्हे राजा जो हैं वो घोड़ी से उतर गए हैं। अब घोड़ी से उतर के जो है थोड़ा सा उनको जो है नचाया जा रहा है कि भाई अब अपनी दुल्हन को लेने आए हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, नाचिए। तो ये देखिए डांस कर रहे हैं। सो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, और ये देखिए अब ये चौकी जो बनाए थे, जो बनाया था यहाँ पे पूजा करने के लिए, अब ये देखिए ये पंडित जी जो है अपनी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे करवा रहे हैं, उनको पानी पिलाना। और ये देखिए अब उनको जो है
ये देखिए अपने ऊपर छिड़काव करवाया है, जिससे कि ये पूरे रास्ते इतना चल कर आए हैं तो उनका थोड़ा सा ये शुद्धि के लिए। और ये देखिए ये अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है रीति रिवाज निभाए जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए तो मैंने मतलब पूरा यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज जो है यहाँ पे निभाए जाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर यहाँ फूल वगैरह रखे हैं। और ये देखिए अब जो मेरी जो सिस्टर के फादर हैं वो दूल्हे को जो है चेन गिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये मोमेंट जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है हर शादी के लिए। सो ये देखिए बकायदा ये इनको गले में ये चेन पहनाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए गले में जो है ये चेन पहना दी है इन्होंने, पहनाएंगे। सो आप देख सकते हैं पूरा मैंने यहाँ पे वेडिंग का फंक्शन जो है आपके साथ शेयर किया है। सो एक एक मोमेंट जो है मैंने बहुत ही एंजॉय किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए चेन जो है पहना दी गई है, उनका स्वागत किया है हाथ जोड़ करके। दामाद जो है घर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको जो है बहुत ही स्वागत किया जाता है उनका। सो यहाँ पे इनका स्वागत वगैरह किया गया है। अब देखिए वन बाय वन सबकी जो है मिलनी भी यहाँ पे की जाएगी। अब ये जो दूल्हे दुल्हन का जो भाई होता है वो तिलक करता है और तिलक करके यहाँ पे मिठाई खिलाई जाती है दूल्हे राजा को। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फनी मोमेंट होगा, पूरा का पूरा ये देखिए पीस जो है दूल्हे के मुँह में डाल दिया है, बट बहुत बड़ा होने के कारण वो नहीं खा पाएंगे। तो कह भी रहे हैं बट ये बड़ा बहुत है। तो अब देखिए पानी पिलाया जाएगा, ये देखिए पानी पिलाने के बाद जो है अब ये इनका नेक जो है इनके ऊपर से उतार के रखा गया है। और ये देखिए एक तरह से नज़र उतारी जाती है, पंडित जी जो है भाई का भी तिलक कर रहे हैं, भाई का तिलक हो गया है। अब देखिए ये जो मोमेंट होता है जो बहनें होती हैं सारी वो मिल करके रिबन कटाया जाता है एंट्रेंस पे। सो ये मोमेंट भी बहुत ही होता है। अब जो है दूल्हे राजा को थोड़ा सा नचाने की कोशिश की जाएगी, बहुत ही फनी मोमेंट था, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए नचाया जा रहा है अभी, ये देखिए बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि बस ये शादी जो है यूं ही चलती रहे, ख़त्म ही ना हो। ये देखिए सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उधर लड़के वाले हैं, इधर लड़की वाले हैं। मतलब अभी देखिए अभी सारे जो है एक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसकी तरफ से आया है। सो ये देखिए अब जो है रिबन, ये अब देखिए रिबन कटेगा और रिबन कटने के बाद जो है ये देखिए रिबन कटाई होगी यहाँ पे। देखिए रिबन जो है बस कटने ही वाला है, ये कट गया है। सभी जो है तालियां बजा रहे हैं, सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दूल्हे राजा का जो है यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। अब जो है शगुन जो है शगन की मांग की जाती है, शगन बहुत ज़रूरी होता है इस मोमेंट पे। ये देखिए शगन लिए बिना तो बहनें हटने वाली हैं नहीं यहाँ से। यहाँ भी ये नोक झोंक सी हो जाती है कि भाई हम तो शगन लेंगे, शगन लिए बिना तो हम हटने वाले हैं नहीं यहाँ से। सो और ज़रूरी भी है, देखिए ये मोमेंट बार बार तो आता नहीं है। सो बहुत ही एंजॉय होता है। अब ये देखिए दुल्हन की जो एंट्री होने वाली है,
सो यहाँ पे दुल्हन को अब नीचे लेके जाया जाएगा। इनका फर्स्ट लुक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। लहंगा जो है बहुत ही सुंदर था, शेडेड डिज़ाइन में बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो अब बस नीचे ले जाने की इनको तैयारी हो रही है। सो ये देखिए, ये भी एक फोटोग्राफी जो है हो रही है, इनकी फोटोग्राफर जो है इनको बताते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, मज़ा सा आ गया था बहुत ही। देखिए इनको नीचे लेके जाया जाएगा। ये देखिए वन वन स्टेप करके उतर रहे हैं, इनकी फोटोग्राफी हो रही है। सो बहुत ही प्यारा मोमेंट है। और देखिए अब जो है लड़की का जो है वो मोमेंट आ गया है, अब लड़की जो है किसी और की हो जाएगी। सो ये भी एक ऐसा पल होता है लड़की की लाइफ में जो पूरी लाइफ जो है उसकी चेंज करके रख देता है। सो अब ये देखिए फूलों की चादर के नीचे से लड़की होती हुई जाएगी अपने जहाँ पे दूल्हे बैठे हुए हैं उनके साथ जाके उन्हें उनका उनको कंपनी देनी है। सो सभी बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं अंदर कि कब लड़की आएगी और कब जो है सारा जो है आगे का फंक्शन स्टार्ट होगा। सो ये देखिए आप, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा धीरे धीरे मूवमेंट हो जाता है और ये फोटोग्राफी बिकॉज हो रही होती है। सो लड़की जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, मेरी सिस्टर। सो उनको सबने कहा कि भाई जब आपकी एंट्री होगी तो आप थोड़ा सा डांस करते हुए आना, बट वो ये शर्म के मारे वो नहीं कुछ कर पाई। ये देखिए थोड़ा बहुत तो फिर भी उन्होंने किया कि भाई इतने लोग बैठे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लड़की की तरफ से कोई किसी तरीके का रिएक्शन आए और लड़की जो है थोड़ा सा इंजॉय करे। तो एक्चुअली होता है कई लोग काफ़ी शाय होते हैं, सो इतने ओपन नहीं हो पाते। अब ये देखिए स्टेज पे जो है एक ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है जब फर्स्ट टाइम जो है दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेकर आते हैं। और अब देखिए अब जिस क्षण का सबको इंतज़ार था वो मोमेंट जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। और देखिए जयमाला की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से हो गई है, बस कुछ ही देर में जयमाला हो जाएगी। ये देखिए जयमाला का मोमेंट आ गया है और इस टाइम जो है सभी का ध्यान दूल्हे और दुल्हन के ऊपर होता है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पल है जो इंसान की ज़िंदगी में एक ही बार आता है और सभी बहुत इंजॉय करते हैं बिकॉज़ शादी में लोग आते हैं हर एक मोमेंट को जो है इंजॉय करने के लिए। तो हर मोमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखिए आप, तो जो है बस एक दूसरे के गले में जो है जयमाला डाली जाएगी और समझ लीजिए आप इसी के साथ जो है आधी शादी जो है हो जाती है। तो आप देख सकते हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत ही सुंदर। हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ देम। और मैं तो कहूँगी कि पूरी लाइफ ही ये लोग ऐसे ही हंसते रहें और हर एक मोमेंट को एंजॉय करें, जैसे आज इन्होंने पूरी अपनी शादी को एक मतलब कि ये देखिए मेमोरेबल मोमेंट ही होता है जो कि मेमोरीज बन जाती हैं। तो मेरी तो यही ब्लेसिंग्स हैं कि ये लोग पूरी लाइफ इस तरीके से ही खुश रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं, बट अगर हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के साथ हैं तो ये सारे मोमेंट्स जो हैं कुछ भी नहीं होते। बस ये होता है कि हमें लाइफ को जो है इस तरह से जीना होता है कि जो लाइफ है हमारी वो किसी को हर्ट ना करें कभी भी,
और अपना जो है बेस्ट दे के चलें, सो लाइफ जो है अपने आप ही अच्छे से चलने लग जाती है। सो हर मोमेंट को ये देखिए, अब जयमाला होने के बाद जो है सभी काफ़ी खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। डांस जो है स्टेज पे ही स्टार्ट हो गया है सबका। ये देखिए, ये सब जो है शगन भी यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों के सिर पे से उतारा जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो अब फाइनली देखिए जो जयमाला का था वो मोमेंट जो है हो चुका है। अब आगे का सारा स्टार्ट होगा, वेदी वगैरह भी इधर सजनी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए हम खाने पे आते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का, जहाँ तक मुझे लगा किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। ये देखिए गुलाब जामुन, और स्वीट्स में भी 3-4 आइटम्स थे यहाँ पे। ये देखिए कढ़ी चावल और छोले, तो सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी थी। ये मिक्स वेज है और ये गट्टे की सब्जी, तो खाने में भी कोई कमी नहीं थी, खाना भी बहुत ही फर्स्ट क्लास था। ये देखिए चपाती हैं, तो मुझे तो देखिए टोटल मिला के बैंक्वेट का अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो सर्विस के मामले में और खाना वगैरह सभी A1 था, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। सो फ्रेंड्स, ये मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, सो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग QR कोड। जितना आप डोनेट करोगे तो उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube चैनल, एंड आई हैव ऑल्सो एडेड Facebook एंड Instagram ID, सो प्लीज़